अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं लाई हूँ एक बहुत ही न्यू कह सकते हैं और डिफरेंट सी रेसिपी, जिसको कहते हैं हैश ब्राउन्स, जिसके लिए हमें चाहिए होता है आलू। हमने यहाँ पे लिए हैं छः आलू और यहाँ पे हमने लिए हैं चीज़ स्लाइसेस, ठीक है, कॉर्नफ्लावर और सॉल्ट। ये इतनी ही इंग्रेडिएंट्स में और इतनी ही चीज़ों में ये बन जाता है इजीली। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक, तो इसे प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरे तमाम आने वाले वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम आलू को जो है वो चॉप करेंगे। बहुत ही इसके जो है वो थिन लेयर, हम पहले इसकी थिन लेयरिंग करेंगे, उसके बाद इसको चॉप करेंगे। अब इसके बाद हमने इसको फ्राइज की तरह काट लेना है और उसके बाद उसको चॉप कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमने इसको कितना टाइनी पीसेस में हमने इसको काट लिया है। आपने भी इसको बिल्कुल इतनी पीसेस में काट लेना है। जितने आप इसको बारीक काट सकते हैं उतनी ही अच्छी बात है। इसको काटते जाएं, काटते जाएं। अच्छा, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आलू को आपने जो है वो बहुत ही बारीक काटना है, ठीक है। अगर आपका आलू जो है अगर वो मोटा मोटा कटा हुआ हो तो वो फिर नहीं बन सकता, वो पे फ्लॉप हो जाएगा। तो आपने जो है बहुत ही बारीक इसको काट लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आलू हमारे चॉप हो चुके हैं। आपने इतनी ही इसी साइज़ में आपने इसको बारीक बारीक चॉप कर लेना है, ठीक है। चॉप करने के बाद अब हम इसको धोएंगे। आपने इसको धो लेना है अच्छे से, ताकि इसका जो पानी है, ब्राउन पानी जो निकल आता है बाद में, तो ताकि वो फिर निकल आए और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। इसके बाद आपने उसको टॉस करते जाना है, ताकि इसका जो पानी है वो ड्रेन हो जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैन लें और उसमें उसको प्री हीट करें और उसमें फिर ऑयल ऐड करें। ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसको थोड़ी देर गरम कर लेना है और उसके बाद जो है वो आलू ऐड कर लेने हैं। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू को आपने इतना फ्राई करना है कि ये अच्छे से सॉफ्ट होके पक जाए। आलू को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है बिल्कुल सॉफ्ट होके। अब हम इसमें जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे। हमने 6 आलू लिए हैं, उसके लिए हमने 1.5 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड करना है। आप आलू की क्वांटिटी के मुताबिक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। आलू ज़्यादा कम हुआ तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्ट की क्वांटिटी रखें। जैसे कि
आप देख सकते हैं कि आलू फ्राई हो चुके हैं और हमने डिश आउट कर ली हैं। आलू को आपने बहुत ही नरम जो है वो फ्राई करना है, ठीक है, क्योंकि अगर ये सख्त रह गया हो तो बाद में जो बनेगा वो बहुत ही हार्ड हार्ड आपको मुंह में फील होगा, तो इस वजह से आप इसको अच्छे से कुक कर लें। अगर इसको आपने हार्ड जो है वो फ्राई किया, अगर हार्ड रह गया थोड़ा सा कच्चा कच्चा, तो जो शेप जो बनती है इसकी ओरिजिनल वो भी नहीं बन पाएगी, वो भी या टूटेगी, टूट जाएगी, या तो फिर उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। फ्राई करने के बाद हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। हमने इसमें फ़िलहाल 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, अगर बाद में हमें ज़रूरत पड़े तो हम थोड़ा और ऐड करेंगे। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद हम इसको शेप देंगे। शेप देने से पहले आप इसको बेलन के साथ थोड़ा बेल लें। इसको बेलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे इतना नहीं पता, लेकिन आपने इस चीज़ के साथ आपने इसको थोड़ा से बेल लेना है, और उसके बाद आपको इस आपने इसको हाथ के साथ शेप देनी है। आपने बहुत ही ध्यान से इसकी शेप बनानी है। हमने विदाउट चीज़ हमने रेडी किया है, और जो बाकी बनाएंगे वो हम विद चीज़ हम आपको बना के दिखाएंगे। अब इसके बाद बारी है चीज़ की। अब इसके बाद हम चीज़ वाले हैश ब्राउन्स बनाएंगे। एक हमने सिंपल बनाए और अब हम चीज़ वाले बनाएंगे। अब हम इसको पीसेस में काट लेंगे। चीज़ वाले को याद रखिए हमने थोड़ा ज़्यादा थिन रखना है, क्योंकि बाद में जब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे तो उसकी भी एक लेयर हमारे साथ बन जाएगी। स्लाइसेस बनने के बाद हमने इसमें ऐड करना है चीज़। एक लेयर हमने चीज़ की रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक हमने आलू की। लास्ट पीस भी हमारा रेडी हो चुका है। आपने इसी शेप में आपने इसको टेक्निक के साथ बनाना है, क्योंकि ये थोड़ा टूट जाता है तो उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब इसके बाद हम इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, मैंने ये मेंशन करना मैं भूल गई थी कि जब ये रेडी हो जाए इसकी शेप, उसके बाद हमने इसको फ्रीज़र में फ्रीज कर लेना है तकरीबन 15 मिनट तक, और उसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। हमने इसको स्लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे जो है वो हमने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा इसका फ्लेम जो है आपने हाई नहीं रखना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हैश ब्राउन जो है वो
फ्राई हो रही हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप सुबह ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग में चाय के साथ आप इसको बना सकते हैं।